तो कोटा से सांसद ओम बिरला इस वक्त कोटा में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इसके लिए मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को भी दो पत्र लिखे हैं कि किस तरीके से हम इन हॉस्पिटलों की हालतों को सुधार सकते हैं ताकि गरीब व्यक्ति जो इलाज कराने जाता है इस अपेक्षा आकांक्षाओं से जाता है कि मेरा इलाज भी होगा, माँ इस आशा से जाती है कि मैं मेरे बच्चे को जन्म दे रही हूँ उसकी आशाएं रहती है, माँ भी सुरक्षित रहे बच्चा भी सुरक्षित रहे, ये हमें हॉस्पिटलों को हालातों को ठीक करने की आवश्यकता है क्योंकि जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की वो निश्चित रूप से उन व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो उसमें हॉस्पिटल के प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। जो जो उपकरणों की आवश्यकता थी, जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी, मैंने संबंध में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, सभी अधिकारियों से भी बात की, क्योंकि सांसद को विधायक को से भी पैसा हम दे रहे हैं लेकिन उस प्रक्रिया में लेट हो जाए इसलिए हम जन सहयोग से कुछ कंपनियों के CSR से मैंने जो इक्विपमेंट उपकरण की आवश्यकताएं थी जो तत्काल आवश्यकताएं थी उनके लिए इंडियन ऑयल को भी मैंने 50 लाख रुपए का जो हॉस्पिटल ने मांगा और हॉस्पिटल मांगेगा तो और इक्विपमेंट दिलाएंगे उपकरण दिलाएंगे। राज्य सरकार को जो भी आवश्यकता होगी मैं सरकार के साथ हमेशा खड़ा हूं ताकि इस कोटा में नहीं पूरे राजस्थान पूरे देश के अंदर हम नवजात शिशु बच्चों को बचा सकें। मैंने अस्पताल में खुद व्यक्तिगत रूप से भी करके गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके हालात हैं हालात ठीक नहीं है, उन हालातों को ठीक करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। मानव संसाधन की आवश्यकता हो, नर्सिंग और डॉक्टर हैं उनको भी लगाना चाहिए, उपकरणों की आवश्यकता है तो उपकरण भी ठीक कराना चाहिए और त्वरित गति से करना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेफर होकर बच्चे आते हैं इसलिए यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है। सरकार प्रस्ताव बनाए, उनको कहीं आवश्यकता होगी कमी होगी तो मैं इस लोकसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं राज्य सरकार को हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ। सर, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं कि इस मामले को लेकर कम से कम पॉलिटिकल बहसबाजी जो हुई है उसे बंद हो जानी चाहिए? आप मैं आरोप प्रत्यारोप के तर्क में नहीं जाना चाहता, मेरी संवेदना है कि मेरे इलाके के बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बेहतर इलाज किया जा सकता है, उसका प्रयास होना चाहिए। तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और साथ ही सांसद हैं कोटा से, और जहां बच्चों की मौत का आंकड़ा 107 के पार पहुंच रहा है वो ऐसे में परिवार वालों से मिलने पहुंचे और अस्पताल में जो कुछ कमी थी ओम बिरला ने बताया कि कुछ अन्य NGOs और कंपनियों के माध्यम से भी उन्होंने इक्विपमेंट्स वहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश भी की है, साथ ही केंद्र की तरफ से भी जो सहायता हो सकती है उसकी मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया और साथ ही कहा कि राज्य सरकार जिस भी तरह के मदद चाहेगी वो उसके लिए खड़े हैं और केंद्र सरकार से वो तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाने में सहायता भी करेंगे, साथ ही अन्य जो समूह हैं उनसे भी संपर्क कर अस्पतालों में जिन भी उपकरणों की ज़रूरत है उसको पूरा करवाने की कोशिश